आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में एक्सेल का एक लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, एक्सेल की लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहां पे हमने तीन सीट बनाया, एक है वेलकम का, राइट, और दूसरा हमारा डेटा वन टू, और भी चीजें हो सकती है, और भी सीटें हो सकती है डेटा, यहाँ पे डेटा टू। तो हमें क्या है, सिर्फ वेलकम शीट को ही हाईलाइट रखना है। हमने सिर्फ वेलकम शीट जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया डेटा एंट्री, हमने बनाया हुआ है, और इसमें और भी चीजें हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि यहां पे हमारा लॉगिन हो, जब तक मैं लॉगिन ना करूं तब तक मेरे शीट्स जो है ये विजुअल ना हो डेटा एंट्री करने के लिए, यानी कुछ काम करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं और हम यहां इंसर्ट करते हैं यूजर फॉर्म। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, तो यहां पे हम देते हैं यहां पे लिखते हैं लॉगिन, लॉगिन यहां पे लिखते हैं पासवर्ड, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट से, और यहां फॉर्मेट में अलाइन होता है तो अलाइन लेफ्ट कर देते हैं, ताकि क्या होगा कि दोनों एक सीट पे रहेंगे। हम इसको उठाते हैं और इसको लॉगिन आईडी, और नीचे हम एक बार और ड्रैग करते हैं पासवर्ड डाल देते हैं, ये भी बड़ा छोटे का फर्क होगा, तो इसको भी हम सेम सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे लेफ्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, मेक इट सेम साइज, दोनों का साइज है, चौड़ाई जो है, हाइट और ब्रेथ वो एक ही है। ओके, हम यहाँ पे बटन लेते हैं, बटन में हमारा यहाँ पे आता है लॉगिन का, सिंपल सा लॉगिन का आता है, और दूसरा इसमें क्लियर वाला बटन नहीं डालता हूं, क्लियर का भी डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहां से डालना पड़ेगा क्लियर, एक बटन डालता हूं क्लियर का, यहां पर हमने कर दिया क्लियर, और एक बटन हम यहां डालते हैं यहां पे, ये क्या होगा, ये होगा लॉग इन एज ए गेस्ट, मतलब मुझे पासवर्ड नहीं बताया बट मुझे फाइल के अंदर रहना है, तो मैं इसको कर दूंगा लॉगिंग एज ए गेस्ट, है ना सर, बहुत सारी जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर फॉर्म की जगह पे मैं लॉगिंग करना चाहता हूं, तो यहां कैप्शन में चेंज कर देता हूं लॉग इन, उसके बाद यहां जो पासवर्ड है इसका पासवर्ड करेक्टर स्टार कर देता हूं, वो चीज हमने कर दिया। अब चलिए जैसे क्लियर पे मैं चाहता हूं, मैं लॉगिन के बाद में काम करूंगा, पहले हम क्लियर पे आते हैं, सॉरी एक कॉल आ गया। तो यहां हम
जो है पहले हम क्लियर में कम कोड करते हैं यहाँ पे। तो क्लियर में क्या कोड करेंगे कि दोनों क्लियर हो जाए, तो हमने इस पे डबल क्लिक किया, तो यहाँ पर लिखेंगे मी मतलब होता है यूजर, एक्टिव यूजर फॉर्म, ठीक है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने ब्लैंक कर दिया तो कुछ नहीं, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू इसको भी इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। तो जब ये रन करेंगे हम इसको वो चेक कर लेते हैं, जैसे हम कुछ टाइप कर दिया यहाँ कुछ कर दिया तो क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ओके ये हो गई। दूसरा लॉग इन एज ए गेस्ट, लॉग इन गेस्ट में हमें क्या करना है, हमें करना सबसे पहले अनलोड, यहाँ सॉरी अनलोड भी नहीं, पहले करना है यहाँ पे वेलकम शीट है ना, शीट वन डॉट एक्टिवेट, और जैसे कि शीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, और शीट थ्री को भी, अगर ज्यादा शीट्स हैं तो इसका लूपिंग मेथड यूज कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि इसको हम प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद इसमें एक चीज और करना है, इसमें अनलोड भी तो मैंने किया ही ना, अनलोड लूप लिखने का तरीका जैसे सेम सेम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया लॉग इन एज ए गेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए वहां वेलकम सीट बचा हुआ है, बाकी सारे सीट हाइड हो गए। अब हम बात करते हैं लॉग इन पे, तो लॉग इन पे हम यहाँ पे करते हैं जैसे पासवर्ड, अनलोड मी में जैसे ही जाएंगे सब कुछ मेरा हाइड हो जाएगा, अनलोड मी में हाइड नहीं होगा, अनलोड मी मतलब जो यूजर फॉर्म है ना उसको क्लोज कर देगा। अच्छा, मतलब जैसे जो आप ऑप्शन बनाए गेस्ट का वो जैसे वहां पे क्लिक करेगा सारा हाइड हो जाएगा। हाँ, उसमें जितने शीट्स हैं जो हमें नहीं दिखाने हैं वो हाइड हो जाएगा और सिर्फ सीट वन एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड वन में हम यहाँ पे करेंगे कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, या फिर यहाँ पे और ज्यादा अच्छा करना है तो आप ये काम कर सकते हो कि डिम टू कॉमा पी एज ए वेरिएंट, डिफाइन कर लीजिए यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू, पी इक्वल टू मी, इसमें हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू, कंडीशन होगा कि इफ यू इक्वल टू, हमने यहां पे कर दिया मान लीजिए कि यूजर एंड पी इक्वल टू, पासवर्ड में हमने पी ए एस एस कर दिया, ये जो आपका सीट वन डॉट एक्टिवेट सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू विजुअल, और यहां पे सीट थ्री हो जाएगा। एल्स एल्स में चलेगा और मैसेज आएगा एम एस जी बॉक्स, यहां पे
योर यूजर स्लैश पासवर्ड जैसे ही यूजर फॉर्म रन होगा, रन होते ही ये पूछा है पास लॉगिन, तो लॉगिन में हमने यहां पे डाल दिया यूजर और पासवर्ड में पी डबल एस एस और लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए आ गया। लेकिन ये हटा नहीं ना, नहीं। तो हमें इसके हटाने का भी कोड देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा अनलॉग या यूजर फॉर्म का नाम लिख दीजिए मी के जगह पे, मी के जगह पे यूजर फॉर्म वन भी लिख सकते हैं, जहां हमने मी लिखा वहां पर। अच्छा मैं इसको रन करता हूं, तो रन करते ही यहां पे आ जाएगा, यहां पे देता हूं यूजर और यहां पे ये आ गया, हट गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत एक और है, किसी ने इसको यहीं से क्लोज कर दिया तो क्या? हाँ नहीं, इसमें भी हम आते हैं। उससे पहले एक काम करना है कि यूजर फॉर्म को स्टार्ट कैसे करें। तो मैं चाहता हूं इसके दो तरीके हो, जैसे कि एक बटन पे हो, तो मैंने यहां से बटन लिया, यहां पे डिजाइन किया, और यहां पर हमने दे दिया लॉगिन आ गया, और इस पर डबल क्लिक करके हमने सिंपल लिख दिया यूजर, यहां मी नहीं चलेगा, मी सेम यूजर फॉर्म में चलता है डॉट शो। दूसरा हम चाहते हैं फाइल ओपन होते ही, तो यहां भी वर्कबुक ओपन और यहां देंगे यूजर फॉर्म वन डॉट शो। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा आ गया। अब प्रॉब्लम आती है यहीं पे कि गेस्ट एज यूजर करूंगा तो ठीक है आ गया, सब चीज ठीक है, लेकिन वही बात है कि अगर मैंने यहां से क्लोज कर दिया तो क्लोज भी तो हो रहा है ना ऐसे। हाँ। आपको रिसर्च करना है, पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पे रिसर्च करें। हाँ सर। करके बताएं कि एक क्लोज डिसेबल कैसे करेंगे, मतलब मेरा फॉर्म हटेगा तो सिर्फ हटेगा किससे, कोड आईडी पासवर्ड जाने के बाद। हाँ, कोड से ही हटेगा। और सर मेरा एक सवाल था, मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, सिंपल सा मान लीजिए कि मैंने दो मॉड्यूल पे दो प्रोग्राम बनाया है, छोटा छोटा दो प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जब शीट एक्टिव हो तब वो दोनों प्रोग्राम रन हो। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम में कोई फर्स्ट एक कॉल कर रही हूँ वो जब तक कंप्लीट ना हो दूसरा रन ना हो, तो वहां पे कैसे लिखेंगे वो चीज की। सिंपल है, आप शीट एक्टिवेट पे चाहते हैं ना। हाँ, एक्टिवेट पे जाए, सिर्फ एक्टिवेट पे जाए, जाए यहाँ पे सीट, यहाँ पे एक्टिवेट ले लें, तो यहाँ दोनों माइक्रो का नेम लिख दें, जैसे कि M1, M2, तो पहले M1 चलेगा क्योंकि VBA में क्या है, लाइन में लाइन प्रोग्रामिंग चलता है, जब तक पहला लाइन कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे लाइन पे नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा डू वेल डू अंटिल देने का कुछ पॉइंट नहीं है, ऐसे ही वर्क करेगा। और इसके बीच अगर मैं डू इवेंट दे दी तो भी ये वर्क करेगा, जैसे एम वन के बाद में इवेंट देंगे तो डू इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। और सर यहाँ पे एक्टिव एक्स क्या होता है, जैसे कंट्रोल्स में था मैं पढ़ रही थी, एक्टिव एक्स कंट्रोल वो क्या होता है? एक्टिव एक्स कंट्रोल होता है क्या, बताता हूं आपको कि यहाँ पे रेफरेंसेस में आपको देखा होगा आपने एक्टिव एक्स यहाँ पे टूल्स में ना।
सर मैं वो पढ़ रही थी ऐसे ही गूगल पे में, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट ये समझ होता में नहीं है, आया पढ़ के। मैं बताता हूँ क्या होता है कि इसमें और भी बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं। लाइब्रेरी मतलब समझे कि जैसे कि आपको बीबीए प्रोग्रामिंग तो मिला है, लेकिन इसकी जो लाइब्रेरी है मतलब आप बुक मान लीजिए, इसकी जो बुक है या फिर कोड सपोर्टिंग कोड मान लीजिए, वो इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो यहाँ आप इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि ActiveX बोला ना, ActiveX जो होता है वो ActiveX होता है जैसे कि जो हमारा अदर ऑब्जेक्ट्स है उसको लाने के लिए, ठीक है आपको देखिएगा मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ActiveX, ठीक है। ActiveX इज डेटा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, दिख रहा है। मतलब जब हम लोग अदर ऑब्जेक्ट के साथ काम करना सीखेंगे तब ये जानने को मिलेगा। जी हाँ जी हाँ ठीक है। ओके तो मैंने रिसर्च पे काम कीजिए, कल हम इससे फॉर्म बताएंगे। ओके सर। ओके हाँ सर।